मैं वैसे बता दूं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपनी बाकी पर्सनैलिटी को बिल्ड नहीं कर पाते, वो बाकी एरिया पर टाइम ही नहीं लगा पाते। ना वो पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा, ना वो कोडिंग सीखेगा, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेगा, ना वो स्पोर्ट्स खेलेगा, ना वो कुछ और सीखेगा। लेकिन जो 85% वाला है, 80 वाला, वो बहुत बढ़िया बच्चा होगा, क्योंकि वो 40 वीडियो गेम भी खेल लेगा, वो जिंदगी में मौज भी ले लेगा, वो जिंदगी में 4 भाषा भी अलग सीख लेगा, वो और 4 स्किल भी सीख लेगा, वो पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर लेगा। और जो 65% 60% से नीचे वाला बच्चा है, वो निखद्द है, ना वो पढ़ रहा है ना वो कुछ कर रहा है, वो किसी काम का बच्चा नहीं होता। बाद में चल के उसको ज्यादा तकलीफ आती है। अमूमन जो 80% वाला बच्चा है, 75% वाला बहुत बढ़िया निकलता है आगे चल के जीवन में, वो एंटरप्रेन्योर बनता है बढ़िया। और 95% वाला बेचारा कुछ स्ट्रगल करके नौकरी, और ये देखता है मेरी ELPL का पैसा मिला कि नहीं मिला, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, और कहीं है रघुपति राघव राजा राम, पूरी तनख्वाह जीरो काम। तो वो अलग प्रकार की मानसिकता हो जाती है। ये 95% से ऊपर लाना बच्चे के लिए खतरनाक है, नहीं लाना चाहिए उसको।